अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है बूंदी चाट। तो सबसे पहला काम जो है यहाँ पे मेरे पास चने हैं, ठीक है। आप कैन के भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर घर पर जो है उन्हें रात को धोकर अगले दिन आप उसको बॉईल कर सकते हैं सोडा डालकर, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। लेकिन मैंने यहाँ पर कैन इस्तेमाल की है, 400 ग्राम का एक था, तो दो कैन यानी कि 800 ग्राम। तो ये हो गए यहाँ पर चने, इसमें बूंदी जाती है आपको बनानी सिखाई हुई है। ये मैंने 3 कप लिए थे, इसको पानी में डाल करके लूक वार्म वाटर में छोड़ दिया था कोसे पानी में ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये वो हो गई। उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए आलू। आलू यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़े साइज़ का था, उसे मैंने बॉईल कर लिया था, तो आधी चम्मच नमक के साथ में। टमाटर जाएगा एक छोटा सा, सीड्स रिमूव कर लें, और बीच में प्याज जाएगी बिल्कुल छोटी सी, बारीक आपने इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है। हरी मिर्चें 2 अदद मैं इसमें डाल रही हूँ, फाइनली चॉप्ड हैं। कुटी हुई लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मेरे पास 2 टीस्पून भर कर है। भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून बिल्कुल भर कर। चाट मसाला ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून भर कर। नमक 1 टीस्पून है लेवल्ड। फिर इसमें आप डालते हैं हरा धनिया, समझे 2-4 टेबलस्पून ही आपने डालने। तो ये चला गया इसमें हरा धनिया। उसके बाद बीच में आप डालते हैं, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें क्या जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले तमाम चीज़ों को जैसे कमर लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर अपना जायके के साथ में देख सकते हो कि अगर आपने इसमें और मिर्चें डालनी है, नमक या व्हाटएवर, ठीक है। तो इसमें फिर आप दही डालते हैं, फेंट कर डालेंगे। आधा किलो दही है मेरे पास यहाँ पर। उसके बाद बीच में आप डालते हैं मीठी चटनी जो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। जो चीज़ें घर पर बनानी सिखाई हूँ उसके लिंक्स मैं आपको ज़रूर दूंगी, और स्पेशली रमज़ान शरीफ वगैरह जब होता है तो ये चीज़ें ज़्यादा बना करके फ्रिज में रख लेना बेहतर होता है, लाइफ ईजी हो जाती है। तो तकरीबन आधे कप जितनी मीठी चटनी मैं इसमें डालूंगी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालकर पहले अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गया है अच्छे से, यहाँ पर हमारी चाट तैयार है। इसको आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको सर्व करने लगेंगे तब आपने इसकी गार्निशिंग करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। कुछ खास नहीं है, सिर्फ आप इस पर थोड़ी सी दही डालते हैं, 2-3 टेबल स्पून के तकरीबन करीब होगी। फिर उसके ऊपर आप मीठी चटनी डालते हैं, थोड़ी सी प्याज डाल दें, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए, अगर नहीं डालना चाहते दैट्स फाइन। थोड़े से टमाटर, और उसके बाद इस पर आप डालेंगे पापड़ी और ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें और इसे कर देते हैं डिश आउट। इसी किसी मैं इसको बनाती हूँ, लेकिन जब मैं इसको सर्व करती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर अनारदाना भी जो होता है, अनार सॉरी फ्रेश, आप वो भी डाल सकते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, थोड़ा खूबसूरत भी लगता है, ठीक है, और इसका जायका भी अच्छा आता है। इसी किसी बनती है सिंपल सी चीज़ें। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।